दोस्तों मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि डायबिटीज के मरीजों के अंदर विटामिन लेना कितना जरूरी है या नहीं जरूरी है, कौन सा विटामिन लेना है और कितना लेना है, ये बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्ट लोगों के अंदर होता है। तो आप सब जान लो कि 1990 से 2000 बीच में कई स्टडी की गई, उनको विटामिन ए सी ई बी सारे विटामिन दिए गए हैं एंटीऑक्सीडेंट सोच करके, ये हमारे बॉडी के अंदर कॉम्प्लिकेशन प्रिवेंट करेंगे डायबिटीज मरीज के अंदर। लेकिन जितनी भी स्टडी हुई किसी स्टडी ने प्रूव नहीं किया कि विटामिन सप्लीमेंट देने से उनका डायबिटीज कॉम्प्लिकेशन लॉन्ग टर्म में बचता है या उनको लाइफ लॉन्ग कोई अदर कॉम्प्लिकेशन में फायदा होता है, किसी में ये बेनिफिट नहीं देखा गया है। तो लेटेस्ट अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन गाइडलाइंस हैं कि अगर डायबिटीज का मरीज हेल्दी डाइट खा रहा तो उसको कोई विटामिन की जरूरत नहीं है एक्सेप्ट कुछ कंडीशन में, जैसे अगर वो मेटफॉर्मिन गोली खा रहा तो देखा गया मेटफॉर्मिन खाने से विटामिन बी ट्वेल्व की डिफिशेंसी हो जाती है। तो ऐसे लोगों को जो लोग मेटफॉर्मिन गोली खा रहे हैं उनको समय समय पर विटामिन बी ट्वेल्व जाँच कराना चाहिए और अगर कमी मिलती है तो उसके लिए उनको बाहर से रिप्लेसमेंट लेना चाहिए। सिमिलरली हम इंडियन लोग के अंदर दुर्भाग्य क्या है कि हम इंडियन लोग की स्किन थोड़ी डार्क होती है, इस डार्क स्किन की वजह से अल्ट्रावायलेट बी रे जो धूप से आती हैं वो पेनिट्रेट करके विटामिन डी बना नहीं पाती हैं। तो अभी लास्ट चार पाँच साल में कई स्टडी हुई हैं, साइंटिफिक स्टडी हुई हैं, जो सर्वे किया गया देखा गया अमंग स्कूल चिल्ड्रेन, हाउस वाइफ, ऑफिस गोअर, इवन डॉक्टर्स के अंदर भी, एम्स से डॉक्टर स्टडी हुई थी और एम्स के नर्सों की स्टडी हुई, तो 100% में से 85-90% लोगों के अंदर विटामिन डी की कमी थी। तो हम इंडियन लोगों के अंदर विटामिन डी कमी बहुत कॉमन पाई जाती है क्योंकि हमारी स्किन इनफ विटामिन डी बना नहीं पाती है, प्लस हम इंडियन लोग अक्सर पूरे कपड़े पहन के वॉक करते हैं क्योंकि हम लोग थोड़ा डार्क हैं और डार्क होने से बचना चाहते हैं, तो हम लोग अपने स्किन को बॉडी को सनलाइट ज़्यादा एक्सपोज नहीं करते हैं, इसलिए हमारे अंदर विटामिन डी फॉर्मेशन कम है। तो अधिकांश लोगों को विटामिन डी की सप्लीमेंट देने की जरूरत पड़ती है। इस तरह इंडिया के स्टडी में देखा गया कि आयरन कमी बहुत कॉमन है, तो आयरन की सप्लीमेंट भी हम लोग को कितने बार देना पड़ता है देखने के बाद। इस तरह से मरीज में देखा गया कि विटामिन डी, बी ट्वेल्व, आयरन कमी बहुत कॉमन है। इसके साथ साथ जो लोग हरी सब्जी नहीं खा रहे हैं, फ्रूट्स कम खा रहे हैं, उनके अंदर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन ए कमी पाई गई है। तो जैसे पहले बोल चुका हूँ कि अधिकांश लोग के अंदर रोज़ विटामिन खाने की कोई जरूरत नहीं आपको, आप एक मल्टी विटामिन कैप्सूल आता है हफ्ते में एक दो बार खा सकते हैं, विटामिन डी के कैप्सूल आते हैं या पाउच आते हैं या लिक्विड आती है, महीने में एक बार या दो बार आप ले सकते हैं और कमी हो तो ज़्यादा देने जरूरत पड़ती है। सिमिलरली विटामिन डी हफ्ते में एक या दो बार आप रिप्लेसमेंट ले सकते हैं और कमी मिलती टेस्ट में तो और ज़्यादा लेना पड़ता है। तो आप सब जान लो कि डायबिटीज़ में विटामिन डेली खाने कोई ज़रूरत नहीं है, डॉक्टर देखकर खुद तय करेगा आपको हफ्ते में एक बार दो बार कैसे विटामिन देने जरूरत है या नहीं भी जरूरत है। तो विटामिन को बहुत एसेंशियल नहीं, सिमिलरली कैल्शियम, रोज़ कैल्शियम खाने की कोई ज़रूरत नहीं होती अनलेस कि डॉक्टर फील होगा कि आपके अंदर कमी है। और आप हेल्दी बैलेंस डाइट खा रहे हो, रेगुलर फ्रूट खा रहे हो, सलाद खा रहे हो, फल खा रहे हो, सब्जियां हरी खा रहे हो, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन खा रहे हो, तो कोई आपको रेगुलर विटामिन की जरूरत नहीं है। तो इसलिए आप अन्य से एक्स्ट्रा विटामिन न खाएं, हफ्ते में एक दो बार मल्टी विटामिन काफ़ी होता है। तो आई होप इस वीडियो से नॉलेज मिलेगा कि आपको विटामिन कब और कितना लेना चाहिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, मेरे चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें और को इन्फॉर्म करें। धन्यवाद।